भाई ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो अपनी जैकेट वगैरह डाल लेते हैं और बाहर जाकर देखते हैं मौसम का क्या हाल हो रहा है। बारिश आने की संभावना हो रही है भाई यहाँ तो भाई ये अपनी नीचे वाली गर्म वो और ये डाल लेते हैं आज सूडी। लो भाई नहा लिए हैं और जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हाफ बाजू आज ब्लैक दोनों चीज़ भाई जिया व्यू अपना ऊपर आ रही है, धूप में मजा लेने लग रही है और देखो पढ़ने लग रही है और बस वैसे ही बैठा है इसकी आंख ना खुलती ना क्योंकि मैं बिल्कुल सूर्य के सामने खड़ा हूँ। तो भाई मज़ा आ गया आज तो आज तो जो सारे काम करांगे ना वो डेली करने पड़ेंगे जिया, पता है ना हैं। आज मैं नहा लिया हूँ बिल्कुल, यानी पूरे 4 बाल्टियाँ थे, मैं डेली 4 बाल्टियाँ थे नहाऊँगा गरम गरम पानी थे। पूरे साल तो ना नहाया जाए जी गर्म पानी थे, तो गर्मी आ जाएगी कुछ कुछ महीने बाद। निकल लेते हैं क्योंकि मैंने बात करी है उनसे, वो भी कहते हैं कि 20 मिनट में वो निकल जाएंगे, तो मेरे को अभी 30 या 35 मिनट तो आराम तो लग जाएंगे। तो भाई मैं भी निकल लेता हूँ क्योंकि साथ में जाना ही ठीक रहे है, अलग अलग जाओगे ना थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो भाई रेडी हो जाते हैं, रेडी होना क्या हो रहा हूँ मैं तो बस निकलता हूँ। ओके निकल लेते हैं क्योंकि मैंने बात करी है उनसे, वो भी कहते हैं कि 20 एक मिनट में वो निकल जाएंगे, तो मेरे को अभी 30 या 35 मिनट तो आराम तो लग जाएंगे। तो भाई मैं भी निकल लेता हूँ क्योंकि साथ में जाना ही ठीक रहे है, अलग अलग जाओगे ना थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो भाई रेडी हो जाते हैं, रेडी होना क्या हो रहा हूँ मैं तो बस निकलता हूँ। ओके गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, उठ गया रेडी? ले भाई जिया भी रेडी हो गई है, देखो जिया जिया है जिया, गुड मॉर्निंग, रेडी? ठीक है भाई चलो तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है देखो इस खेत में क्या बना रखा है, इधर आपने दिख रहा होगा ना, देखो ये बना रखे ताकि मोर वगैरह पक्षी वगैरह ना हो जाए। देखो उस खेत में आ रहे हैं कितने, देखो देखो उस खेत में कितने बुकले आ रहे हैं, इनसे बचाने के लिए ना उसने वो बना रखी है। देख लो कितना, यानी कितना सोचना पड़ा है किसान को, कितना सोचना पड़ता है। देख लो पहुंच गए हाँ। ले भाई जी यार बस आ लिए, और भाई के बात होगी है? बाजरे का चून कितना है कही होगी मैंने कह क्या है कि बना ले ले ये मैं तो क्या है कि मैं बाजरा भी ताव है मैंने कह देख के कहा बाजरे की या जिया बैठी भाई बाजरे की रोटी सब्जी ना है हाय सब्जी खा ले बेटी और बाजरे की रोटी खा ले खा ले ना फिर कब खाएगा, स्कूल में भाई आया होगा भाई। चेंज कर लिए हैं अब थोड़ी गर्मी मिल रही है, बाहर देखता हूँ कैसा मौसम हो रहा है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। देखो भाई रे बादल हो रहे हैं बादल है। लो हमारे गांव का व्यू, ये हमारी छत है जिस पर कपड़े सूखने लग रहे हैं, बाकी देखो मम्मी की तबीयत खराब होगी तो मम्मी ने डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ, फिलहाल घर जाने लग रहे हैं। यो है अंदर गांव के अंदर, अंदर तो ना आई हुई बाहर आ जाए।
फिलहाल पूनम ने लेन आ रहा हूँ, ठीक है। और भाई यो वो रोड है जहाँ वो कांड नहीं हुआ था, वो लड़की किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी और यहीं से देखो इसी रोड से उसको चक्कर कटवाए। यो है जाए सीधा कंजावला, मैं फिलहाल ये लगा लो लाडपुर तो निकल रहा हूँ, तो कंजावला और सुल्तानपुर ये यही रोड जाता है शायद, कराड़े वाला बुद्ध विहार है ये, तो रोड यही है। अरे भवानी वाले रोड पे चल रहा हूँ क्योंकि पूनम जो है वो रास्ते में मिल जाएंगी, तो रास्ते से मैं उनको ले लूँगा, बीच में उनका फ़ोन करना पड़ेगा एक बार। देखो ये है कोर्ट कंजावले का, कंजावला कोर्ट, और ये है रोड भवानी वाला जो भवाना नरेला चला जाता है। तो भाई देखो पूनम कब मिलेंगी। यहाँ खड़ा हूँ, शायद इसने कहते होंगे वो चोर प्याऊ, क्योंकि यहाँ तो है ना चार रास्ते जहाँ हैं, और मैं करण लग रहा हूँ उनका वेट, वो कब तक आऊँगे ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। आगे बोल रही उनकी गाड़ी बोल रही। तो भाई पूनम जो मेरी सिस्टर है वो, ये दोनों मेरे भांजे गाड़ी में बैठ लिए। फिलहाल जा रहा हूँ मैं बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ के बाद छोटे वाली सिस्टर और लेनी है। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, फिलहाल मैं हूँ कंजावला। यो रोड है पूनम वो जो अछोरी वो हुई थी, यही लुटा रखी थी, ठीक है। एम्बुलेंस चल रही है, यानी गाड़ी वाले अब तो समझदार हो गए भाई, रास्ता दे देते हैं एम्बुलेंस को, नहीं पहले बड़ी दिक्कत होया करती, अब तो देखो पूरी स्पीड से जा रही है। ले भाई फिलहाल जाम में खड़े हैं, फाटक पर आ गए हम इस पे घेवरे वाली पे, पर भगवान की दया से ये है कि भाई खुल रही है, नहीं तो यहाँ तो इतना टाइम लग जाए रे आज से ज़्यादा। भाई फिलहाल बहादुरगढ़ पहुँच गए हैं, ये अपना बाईपास आ गया है रोहतक दिल्ली, और उस साइड रह गया पूरा वो अपना बहादुरगढ़, ठीक है। ये है यहीं पे अपना जो नया बस स्टैंड है ना, जो फिलहाल बहादुरगढ़ का जो नया बस स्टैंड बना है वो यहीं है, वो भी मेट्रो का है भाई, जहाँ मेट्रो खड़ी होती है, और यहीं बना रखा है बस स्टैंड भी। देखो आगे आएगा बस स्टैंड, पता नहीं ज़्यादा दूर होगा, नहीं तो इतना दूर तो नहीं था बस स्टैंड, जा तो नहीं लिया बस स्टैंड, ना ना आएगा भाई वो रहा बस स्टैंड, वो मंदिर दिख गया, वो जो मंदिर है ना वो बस स्टैंड पे है। ये है बस स्टैंड भाई देख लो, ये है बस स्टैंड नया, ये खड़ी सारी बस वगैरह जितनी भी है वो खड़ी। एक्सीडेंट देखो, ट्रक है ना बिल्कुल खत्म हो रहा है, देख लो कितना जबरदस्त एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ भाई और अपना बैग वैग भी ले रहे हो गए हैं, फिर पढ़ भी लेगा किताब ने, मन तो ना लगता आज तक तो पढ़ी ना तुमने, बस वो भी किताब डाल के लेके जा रहा है, ठीक है वो भी इप गया है कि किताब मैं कहूँ था तो बैग लेके जाता, पढ़ भी लेगा भाई। यहाँ आ गया फिलहाल यानी अन्नू के पास, अन्नू के पास और फोन कर देता हूँ, वो भी चल पड़ेगी साथ। भाई हम पहुँच गए हैं अन्नू के घर के पास, देखो ये है उसके घर की लोकेशन गलेरिया, और उसके घर से है ना हम पहले रुकेंगे क्योंकि हमने इतने फ़ोन करे हैं उसने फ़ोन नहीं उठाया है, और वो है ना बाहर निकल निकल कर देखती होगी कि आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। तो भाई फ़ोन हम भी गाड़ी थोड़ी पीछे खड़ी कराएंगे, देखेंगे कब फ़ोन करती है वो, किस टाइम तक जवाब देगी। ये है उसके वहाँ की एंट्री, नीचे नहीं आई है फोन, कितनी देर हो गई हमने करे और अब तक है ना नीचे उतर के नहीं आई है वो, यानी वो हमने बेवकूफ समझा कर दी।
ये वो झंडा फहर रहा है ना बीच वाले, वो है उसका फ्लोर। भाई नीचे आ रही है, नीचे आ रही है दवाई, आ रही है भाई। चलो उसने बैठा लेते हैं उसको भी। या खड़ी देखो, या खड़ी बैठ गए हैं सारे और यहाँ से निकल लिए अपने घर की तरफ। तो दोनों आ गए हैं ये, फिर भी ना डॉग लेके जान लग रहा हूँ सारा। कोई सी ना क्या खाण का लिया नहीं होगा। तू नौकरी लग रही है, तू देवा। वैसे पहले कई साल पहले मेरा बड़ा भैया लगा है, तो मैं लेने लायक यार घर आते तुम मैं लेके जाओगी या मैं दीदी है वैसे बड़ी वो लेके बड़ी दीदी। तो भाई निकल लेते हैं एक बार यहाँ से, क्योंकि रास्ता थोड़ा ना वैसा ही है टूटा हुआ।